मैं तो आप लोगों को बता बता के थक गया, लेकिन एक बार फिर से रिहाइट्रेट कर देता हूँ। चेक किसी को देने से पहले वकीलों के साथ डिस्कशन करना शुरू करो, और अगर किसी को चेक काट के आपने दे दिया है तो ये जो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो केसेस हैं उसमें आपके लिए बहुत कुछ जो आप अपने हिसाब से कर सकते थे किसी के साथ अगर आपका मनी का व्यवहार चल रहा है, तो यहाँ जब एक बार मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो फिर उसके बाद में उसको डिफेंड करना मुश्किल रहता है। तो माई सजेशन इज दिस कि अगर किसी के साथ व्यवहार में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो चेक लिखने से पहले ज़रा वकीलों से डिस्कशन करें, ना कि जब आपने चेक काट के दे दिया है भाई, फिर तो लिटिगेशन ही एक तरीका बचता है। उसमें भी प्री स्टेज है जिसमें बातचीत करी जा सकती है दूसरी पार्टी से कि कैसे आप उसको करें, क्योंकि जो कोर्ट का व्यू है वो यही है कि आप मुकदमेबाजी में ना पड़े अगर आपने किसी से व्यवहार कर रखा है, लिए का फन दिए से कटता है। सो सजेशन इज दिस, डू कंसल्ट अ लॉयर बिफोर राइटिंग अ चेक टू समबडी इफ यू डू नॉट हैव काइंड ऑफ फंड्स दैट यू आर सपोज टू गिव इट टू समबडी, बिकॉज यू नो यू विल बी एबल टू डिसाइड हाउ यू कैन हैंडल द प्रेजेंट सिचुएशन वर्सेस आप अपना केस ही खराब कर लें। तो ये एक सलाह है भाई, फ्री की सलाह, मानो मानो, नहीं मानो आपकी मर्जी है। बाकी इट वॉज नाइस टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू, हैव अ गुड वन पीपल।